नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। देश भर में महंगाई की मार पड़ रही है। पहले पेट्रोल, डीजल, दूध, गैस सिलेंडर, फिर खाद्य पदार्थ और अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। आलम यह है कि आपका अपना नींबू अब 200 रुपए में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि देश में सब्जियों के दाम इन दिनों क्या चल रहे हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। यही वजह है कि लोग सब्जियों की दुकानों पर तो जा रहे हैं, लेकिन बस दाम पूछकर वहां से खाली हाथ लौट आ रहे हैं। नींबू, मिर्च, अदरक, बीन्स, लहसुन और फूल गोभी, हरा धनिया आदि की कीमतें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं जीरा, धनिया, मिर्च के दामों में तो 40 से 60% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। इस बढ़ते दामों का असर सबसे ज्यादा नींबू पर दिखाई दे रहा है। बीते मात्र एक महीने में नींबू 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। हरा धनिया, जिसे आप 50 से 60 रुपए प्रति किलो खरीदते थे, वो अब 100 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं हरी मिर्च 160 रुपए प्रति किलो मिल रही है और बीन्स के दाम तो 120 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। फूल गोभी, जो जनवरी से महीने में 40 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब मात्र एक महीने में दोगुना रेट पर मिल रहा है। वहीं भिंडी हो या टमाटर, सबके दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां आपको बता दें कि हर क्षेत्र में सब्जियों के दाम अलग अलग होते हैं, लेकिन बावजूद इसके दाम हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। हाँ, यही बात है कि और कई सब्जियों के दाम कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कुछ सब्जियों के दाम में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में सब्जियों की कीमतों में एकाएक उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे गर्मी के अलावा भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यातायात के बढ़ते खर्च को बताया जा रहा है। इसके अलावा खेती की लागत भी इसके पीछे जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। वहीं बरसात के सीजन में नई फसल आने तक सब्जियों की कीमत में कमी की कोई आसार नजर अभी नहीं आ रहे हैं। तो देश भर में महंगाई की मार पड़ रही है और देश भर में महंगाई की मार पड़ने से लोगों के जो जेब पे भी इसका असर साफ पड़ेगा, ये आम सी बात है। तो अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए यहाँ बड़ी खबर में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।